आदमी हर इंडिया भर बदल जाता है, सब बदल, सरकार बदलना चाहिए, बिल्कुल। मोदी कह रहे हैं गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बार बदलना जरूरी है, बदलने होंगे तो विकास और बढ़ेंगे। तवा से रोटियां आप लोग बदलने का फॉर्मूला चलेगा, एक साइड छोड़ेंगे जलने का डर है, बिल्कुल बदलाव करते, बिल्कुल भाई, एक बार बदलना चाहिए, बिल्कुल। तमाम योजनाओं के बाद भी बदलना होना चाहिए, एक बार होना चाहिए। मोदी कुछ भी हो, महंगाई कितनी भी हो जाए, मोदी ही है, मोदी के अलावा कुछ नहीं है। केजरीवाल नहीं होना चाहिए, सरकार हमारी सुनेगी नहीं तो कहेंगे क्या, किसी की आवाज़ पर आएगी, नहीं सुना ही हो रही, नहीं हो रही, खाली कहते ही कहते हैं, सुनवाई कहीं नहीं है। है ये पहले 1400 कर दो, फिर जनता को गुमराह करने के लिए 200 कम कर दो, इसमें क्या है, ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात ही है। आज की डेट में जनता को चाहिए प्यार मोहब्बत, चाहिए हो गया हमारा इंग्लिश नेम और भारत हो गया हमारा हिंदी नेम, तो दोनों की एक ही बात है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अब जो लोग चेंज करने की बात कर रहे हैं तो हमारे भी बड़े बैठे हैं, इनकी बैठक जो होगी देखा जाएगा क्या करना चाहते हैं ये लोग, हमसे बड़े बड़े भी बैठे हैं अभी। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल राय, देश की सच्चाई में आप सबका स्वागत है। 2024 चुनाव जनता लाइव सर्वे में हम सब इस समय फिर से जनता के बीच में मौजूद हैं। 2024 चुनाव रुझान क्या होंगे, इंडिया एनडीए पसंद क्या होगी पब्लिक के बीच में, पब्लिक से जानते हैं। दो गठबंधन बन चुके हैं देश के, इंडिया और एनडीए, आप सबकी पसंद क्या होगी? इंडिया है भाई, इंडिया में रहते हैं, इंडिया का खाएंगे, इंडिया का गुण गाएंगे, इंडिया ही होगा, कौन चाहेगा कि इंडिया नहीं होगा, इंडिया ही होगा और इंडिया ही जीतेगा और इंडिया ही जीतता रहेगा, हमें किसी की और पसंद की जरूरत भी नहीं। अब चाहे उसमें कोई भी है, हमें नेताओं से पसंद नहीं, लेकिन हमारे का मार्गदर्शन जो होगा वो इंडिया होगा। अब इंडिया कहाँ गया है हमें नहीं पता, आपको इंडिया इतना पसंद है लेकिन वही इंडिया जो नाम है उसको ही बदलने की अब चर्चा है, संसद में उठ चुकी है कि अब इसका नाम भारत रहेगा, इंडिया को हटा दिया जाएगा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये नेताओं की चाल है, नेताओं की चाल है हम लोगों को गुमराह करने के लिए। भारत भी अपना है और इंडिया भी अपना है, आज 70 साल बाद इन्हें इंडिया इंडिया नज़र आ रहा है, मतलब कि देश की इकोनॉमिक बदलने से तो गए और इंडिया के यार मोहल्लों के यार शहर का प्रतीक है इंडिया। नहीं जी, गुलामी देखो, जो हमारे बड़े जो आज़ाद कराते हुए आए हमें ना, वो इंडिया भी नाम पहले था, ये नहीं कि आज ही हमें इंडिया दे दिया गया, हम इसको चेंज कर दें या नया रखा गया है। इंडिया हो गया हमारा इंग्लिश नेम और भारत हो गया हमारा हिंदी नेम, तो दोनों की एक ही बात है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अब जो लोग चेंज करने की बात कर रहे हैं तो हमारे भी बड़े बैठे हैं, इनकी बैठक जो होगी देखा जाएगा क्या करना चाहते हैं ये लोग, हमसे बड़े बड़े भी बैठे हैं अभी। जो 28 दलों का गठबंधन बना है, इंडिया नाम रखा गया, 24 चुनाव होंगे, जनता के बीच में फिर से पार्टियाँ आएंगी, प्रमुख मुद्दों पर किन पर चुनाव होंगे, और आप लोगों की अगर पसंद की बात करें, प्रधानमंत्री उस 28 दलों में से चुनना हुआ तो क्या राहुल गांधी पसंद होंगे क्या? देखिए, मैं पहले मुद्दों की बात बताऊंगा, हमको चाहिए का जी भाई साहब, तुम्हें क्या चाहिए, इनसे पूछो जरा क्या चाहिए इनको, इन्हें नेता चाहिए, रोजगार चाहिए, क्या चाहिए बताओ भाई? रोजगार चाहिए। मुद्दे क्या होंगे, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे देखिए हमारा ये, हमें रोजगार चाहिए, हमें कलम की सगत, हमें कलम की शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, जो कलम की, हमें पढ़ाई लिखाई चाहिए, ये नेता लोग क्या करते हैं, हम गरीब आदमियों को क्या चाहिए, हेल्थ और फूड, खाना और अपने बच्चों का अच्छा संस्कार, क्योंकि ये जब अंगूठा लगाने जाते हैं हमारे सामने वाले नेता से, यही उम्मीद करते हैं कि हमारा भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य बदलेगा। लेकिन अगर हमारी ये सरकार सिर्फ उल्टे सीधे मुद्दों पे वादे ही करती रही तो हम लोगों का क्या होगा, हम तो 5 साल बाद फिर अंगूठा फिर नहीं आ रहा हूँ आपके पास। अभी कुछ दिन पहले जिसे महंगाई को लेकर तमाम विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा था और जनता के बीच में चर्चाएं थी, 200 रुपये कम किया गया है LPG सिलेंडर के ऊपर, इन चीज़ों को आप लोग भी यूथ हैं, नौकरी करते हो या अभी जो भी पैसे से हो, कैसे देखते हो महंगाई में कुछ और भी राहत मिलनी चाहिए? वो तो हर समय का है ना, वो तो हर समय यही होता है, छः महीने ही सब कम कर देते हैं ना, वो तो नावी राबड़ी। हाँ जी, डीजल पेट्रोल सभी चीज़, गैस वगैरह हर चीज़ कम हो जाएंगी। डीजल पेट्रोल भी होगा आपको पता होगा? हाँ जी होता ही है, वो तो हर समय ही होता है, हर समय ही होता है। चुनावी लॉलीपॉप है क्या, जो इस तरीके के चुनावों से ठीक 6 महीने 8 महीने पहले अगर रेट कम किया जाता है और जनता की डिमांड लंबे पीरियड से रहती है, तो इन वादों और इन छूट को आप लोग कैसे देखते हैं पब्लिक के रूप में? हाँ, चुनावी लॉलीपॉप ही है ये, पहले 1400 कर दो, फिर जनता को गुमराह करने के लिए 200 कम कर दो, इसमें क्या है, ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात ही है। आज की डेट में जनता को चाहिए प्यार मोहब्बत, चाहिए और रोजगार चाहिए, देश हमारा एकता की तरह मजबूत बना रहे जैसे पहले था, हमें वही वैसे ही चाहिए बस। इसकी बात करें, आप सबकी पसंद क्या होगी? इंडिया दो दल बने हैं, एक तरफ 30 एक तरफ 28, आपकी पसंद क्या होगी?
राहुल गांधी इंडिया नाम को लेकर कहीं घबराहट हो गई है क्या कि उसका नाम ही बदलने की तैयारी होगी कि देश का ही नाम बदल? ये मोदी सरकार घबरा गई है लगता है, बैठकों से घबरा गई है। लंबी बैठकें कई दौर की हो गई, घबराहट हो गई है क्या? यूथ हैं, रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा होना चाहिए, पैसा अच्छा मिलना चाहिए। कहाँ मिल रहा है? 300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी, आदमी क्या खाएगा क्या कमाएगा आप ही बताओ। 400 रुपये की दिहाड़ी बस, 400 वही 500 दे देंगे अभी अभी जब तक चल रहा है, फिर इसके बाद फिर 300 कर देंगे जहाँ ये वोट खत्म हो गए। बस 400 रुपये मिल रहा है तो जो वर्तमान में खर्च है क्या उससे चल जाता है या फिर क्या होता है? दिक्कतें हैं चल कहाँ पाता है आप ही बताओ। सरकारों से क्या कहेंगे आप लोग, इतनी कम दिहाड़ी में कहते हैं कि इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ा है क्या कि 400 रुपये मिल रहा है? 400 रुपये मिल रहा है लेकिन महंगाई तो इतनी है कि वो 400 रुपये महंगाई में ही चला जाता है, जो भी लोन तेल ले उसी में चल जाता है, तो फिर आदमी बचाएगा क्या? किराया भाड़ा यही बस करते रहेंगे तो किराया भाड़ा क्या लेके जाएं क्या कुछ तो आदमी बचाएगा ना अपने भविष्य के लिए कि वो भी खर्चा करते बचाएगा क्या? आप खाने पीने में ही सब खत्म हो जा रहा है क्या? सही बात है, खाने पीने में ही खत्म हो जा रहा है। आजकल 1 रुपये की कमाई नहीं हो रही, मैं तो बिल्कुल बेरोजगार हूँ। क्या करते हैं आप? मैं नल बत्ती का करता था, जब से इस एरिया में ये बन गए गेस्ट हाउस वगैरह, हमारा काम धंधा चौपट बिल्कुल। इन्होंने कहा कि 400 रुपये की दिहाड़ी होती है तो सारा तो खाने पीने में वो भी ढंग से नहीं, बहुत मुश्किल ही चल पा। बाकी यहाँ कम से कम 100 रुपये थाली है, उसमें 4 रोटी है वो मिलता है, और 100 रुपये थाली खाना है। 100 रुपये थाली ही मिलता है, सुबह शाम खाना खा लिए तो 200 रुपये तो वैसे ही 100 रुपये वैसे ही गए। खाना होता है 3 टाइम, मेहनत करने वाले को 3 टाइम चाहिए, तो बताओ क्या बचेगा? अब बुखार बुखार आ गया या किराया भाड़ा इधर उधर वही लगा के 400 रुपये खत्म है, कुछ नहीं मिल रहा आज। सरकारों से क्या करना चाहेंगे, कुछ राहत मिले आपको? सरकार हमारी सुनेगी नहीं तो कहेंगे ही क्या, किसी की आवाज़ पर आएगी? नहीं सुना हो रही खाली कहते ही कहते हैं, सुनवाई कहीं नहीं है। तो 24 में तो फिर आपके हाथ में पावर होगा, किसे पसंद करेंगे? एनडीए दो गठबंधन है, राहुल मोदी। अगर लोग बाग ही अकलबंद हो जाएंगे तो अपने आप ही आ जाएगी सरकार, जो उनसे भी आनी है। लोग बाग अकलबंद होंगे तो आज का टाइम ये कहता है, पब्लिक अगर अकलमंद हो गई तो अकलबंद होगी तो अपने आप आएगी, सीधी सी बात। इधर उधर बहके ना दारू मुर्गा वाला जो सीन होता उसे ट्रैक पे ना जाए, वो ये कि 5 मुद्दे पे आ जाए, सीधी सी बात है। जनता अपने आप ही मुखर रही है क्या है क्या नहीं है। क्या होगी पसंद आप सबकी 24 में? क्या मोदी पसंद है और क्या पसंद है? मोदी और क्या। अभी कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि गठबंधन जैसे दो दल बने हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमारी पसंद होंगे, 26 दल हैं, महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? तो 70 साल पहले भी था, महंगाई कम हो गई? 70 साल पहले भी तो था, महंगाई कहाँ कम हो गई? कम कर दिया उसने, महंगाई तो बढ़ती रहती, कमाई बढ़ती रहती। पहले 100 रुपये दिहाड़ी था, 400 रुपये दिहाड़ी, 500 रुपये दिहाड़ी, महंगाई था तो कमाई भी तो बढ़ रहा है, कमाई बढ़ रहा है तो बढ़ नहीं रहा है, उससे फिर आराम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या होगा? फिर वापसी आप लोग मोदी करा रहे हैं? बिल्कुल। कौन आएंगे? मोदी, भारत का नाम मोदी, वही आएंगे। राहुल गांधी पसंद कहाँ से? वो कहाँ पास होगा यार, 56 साल 60 साल का आदमी को युवक बोलते हैं, कहाँ से युवक इसको बोलिए ना, वो 60 साल का आदमी सब कुछ सफेद हो गया, उनको युवक कहाँ का युवक है? वो अपना देश में कितने साल, एक आदमी का आयु कितने साल होता है? मतलब युवक बोला जा रहा है इसीलिए पसंद नहीं? अरे वो कभी पसंद नहीं, पप्पू कभी पसंद होता है, वो तो पप्पू है एकदम से। राहुल गांधी नाम है, पप्पू कहाँ से नाम हो? तो पप्पू दुनिया है उसको कह रहे हैं ना, तो पप्पू वाला काम कर रहे हैं तो पप्पू ही कह रहे हैं। काम क्या है जिसे आपको लगा कि पप्पू? कुछ उनका पप्पू वाला ही है, हाँ बिल्कुल ही, कोई काम प्रधानमंत्री के लगन में है ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ही आपको चाहिए कि दोबारा? अभी चाय वाला, इसके बाद गाय वाला। अच्छा, चाय वाला, फिर आइए जरा एक मिनट, ये कह रहे हैं कि चाय वाला फिर गाय वाला, यानी कि डबल इंजन योगी जी की बात हो रही है कि मोदी के बाद योगी। चाय कब बेची उनने? चाय बेची कब है उनने? मोदी जी नाम ही के चक्कर में तुम जैसे होते वोट लिया जाता है, नाम ही है बस नाम ही। एक सेकंड जी बताओ, ये मोदी जी ने लॉकडाउन किया था, नोटबंदी है, तो आप जी बताइए दिल्ली बंद हो रही है? हाँ तो बोल रहे हैं सब जने, मोदी जी कह रहे हैं दिल्ली बंद हो रही है। मोदी जी आएंगे कि राहुल आएंगे, कौन आएंगे, कौन पसंद है आपके नेता, कौन पसंद? राहुल जी क्या करेंगे, मोदी जी सबसे बढ़िया है, आने वाले फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में केंद्र में तो मोदी आना चाहिए, बाकी और कोई आ जाए बस, नाम ही नहीं है। योगी जी समय में, योगी जी आएंगे। आइए आप जरा आइए, तमाम लोग देखिए अपनी अपनी राय है, 24 को लेकर सर्वे है, आप सबकी पसंद क्या होंगे? दो गठबंधन है, दो चेहरे हैं, मोदी राहुल गांधी, आपके लिए क्या पसंद? राहुल गांधी
महंगाई को लेकर तमाम जो सवाल उठते हैं, अभी कुछ लोगों से बात कर रहे हैं कि 400 रुपये कमा रहे, ठीक है पहले भी था अभी भी है, कम होना चाहिए क्या? बिल्कुल कम होना चाहिए, दिक्कत बहुत दिक्कत है। रोजगार कैसा चल रहा है? रोजगार इस समय सबसे कम है, आप अगर देखा जाए तो सिलेंडर की बात चल रही है तो 200 रुपये कम हुआ है, तो ये सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में हुआ है, इलेक्शन जाते ही वापस ये 200 से 300 पे पहुंच जाएगा। ये जनता को भरोसा नहीं है, जो कम हुआ है डर है कि 200 कम किया है, कहीं 800 बढ़ना है, आगे और 300 बढ़ जाएगा, आगे और 300 बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्शन के चक्कर में 200 रुपए कम हुए हैं, इलेक्शन पूरे होते ही 300 और बढ़ जाएंगे। चुनावी जिसे कहते हैं लॉलीपॉप, वही पकड़ाया जा रहा है जनता को, चूस लो जितना चूसना है, फिर तो हम चूसेंगे, हम ही चूसेंगे सबके साथ। फिर पसंद क्या होगी, बदल जाएंगी 24 में सत्ता? अब ये तो भैया पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर, जो पब्लिक अपने समर्थन पे जो चुने, चाहे राहुल गांधी आए चाहे मोदी आए, हमारी तो राहुल गांधी के ऊपर ही। आप सबकी पसंद क्या होगी, इंडिया इंडिया दो गठबंधन? मोदी साहब जी हैं, मोदी साहब। महंगाई को लेकर क्या कुछ भी हो, कुछ भी हो, महंगाई कितनी भी हो जाए मोदी ही हैं, मोदी के अलावा और कुछ नहीं है, केजरीवाल नहीं होना चाहिए, मोदी। जनता भी जैसे यूथ है, अनभक्त अनभक्त, ये कह रहे हैं कि अंधभक्त हो जा रहे हैं जो कह रहे हैं मोदी। राहुल राहुल का नाम ले रहा है यार, राहुल को क्या बोलूं मैं, पसंद क्यों नहीं है राहुल आपको? वो भी यंग है, कह रहे पद यात्रा की हमारे अंदर एनर्जी 26 दल है एक साथ। आप खुद समझ आ रहे हैं और पहले के लोगों से बात करिए, राहुल कुछ भी नहीं, खुद एजुकेटेड, इसीलिए मैं बात करूँ की राहुल जी अनपढ़ आदमी, मैं अनपढ़ आदमी ही तो असली देश चलाता है और बढ़िया से जानता है। आपकी पसंद राहुल गांधी नहीं है? नहीं आज बिल्कुल नहीं, मोदी साहब हमारे पसंद है। हाँ जी, तो राहुल का था उसमें अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, तेजस्वी यादव है, स्टालिन है, तमाम ऐसे बड़े चेहरे भी हैं। स्टालिन कहता है कि हम सनातन को, सनातन क्या है, मलेरिया और कोरोना है, सनातन को ख़त्म करना है, और उसके पार्टी साले मिले हुए हैं हमारे सनातन को बर्बाद करने वाले। इन्होंने अनपढ़ का जवाब दिया, अनपढ़ का मतलब जाने तो बात ही नहीं हुई। क्या बात है, आपने किसका नाम लिया आपने? स्टालिन का नाम लिया। स्टालिन ने क्या बोला है, उनके स्टालिन के बेटे ने क्या बोला है कि सनातन कोरोना और एक बीमारी का और नाम बताया। जैसे देखिए आप स्टालिन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी में जब राहुल गांधी है जिस टीम में, हाँ मैं बता रहा हूँ, टीम पूरी टीम में सोता ऐसा बयान नहीं, एक नेता का बयान है, एक नेता के उसे आप पूरे सबको जज कर देंगे बेकार। सनातनी विरोधी है, सनातनी विरोधी, सनातनी विरोधी है, हम सनातनी हैं, हम सनातन के साथ हैं, हम मोदी के साथ हैं। सीमा जी को किसने बुलाया था हमारे साथ में, तो जो मतलब इनके साथ नहीं हो, सनातन के विरोधी हो गए, जो साथ में वो ठीक है। जब सनातन का विरोध कर रहा है उसके साथ में जब ये हैं, तो मैं उनके साथ में कैसे हो सकता हूँ? कोई भी हिंदू अपने धर्म के बारे में बुराई सुन सकता है? अपने धर्म के बारे में बुराई नहीं सुन सकता, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का रहने गांव में जो मुद्दे होंगे फिर से वही धर्म के मुद्दे मुख्य होंगे, विकास से विकास के मुद्दों पर नहीं होगा। आज का मुद्दा मोदी साहब ही है, मोदी साहब ने विकास कराया, सब जो भी करा है मोदी साहब ने विकास कराया। आज तक पर डे 100 घंटे में 100 किलोमीटर हाईवे बनती है मोदी के शासनकाल में, 100 घंटे में 100 किलोमीटर हाईवे बनता है ये मोदी सरकार में, इसके पहले कई किलोमीटर हाईवे बनता था मनमोहन सिंह के सरकार में। आपको लग रहा है कि 14 के बाद विकास कार्य ज्यादा होगा? सर जी बढ़िया विकास होगा, बहुत 14 के बाद ही विकास होगा। मोदी जी जब आए नहीं थे, जब उनने बोला था कि 40 हवाई पैड बनाएंगे, मतलब 40 रोड बनाएंगे हवाई, अभी आप दो ही बता दो, मुझे बता दो, दो दो हवाई पैड ही बता दो, मतलब बने हो जो रोड हवाई का बोला था। ऐसी कौन सी हॉस्पिटल में जो बढ़िया दवाई होती हो, सरकारी सारी बनी है, आप बताओ। तुम बोल रहे हो मोदी सब कुछ कर रहा है, तुम बताओ, हम तुम्हारी बात पूछना। केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खोल तो दिया, इलाज क्यों नहीं करवाता? सफदरजंग हॉस्पिटल बनी है ना, सफदरजंग हॉस्पिटल तो ये दिल्ली में बनी है ना, बताओ कैसी दवाई होती है, तुम बताओ सरकारी होती है? गरीब है ना, गरीब के लिए तो बना है ना सरकारी हॉस्पिटल, गरीब के लिए सरकारी हॉस्पिटल वाला जब सुनवाई नहीं होगी। 400 कमा रहे हैं ठीक है, कहाँ महंगाई, कुछ नहीं क्यों महंगाई, 400 कमा रहे हैं तो कहाँ बचा क्या रहे हैं ये तो बताइए, सब तो राशन पानी सब कुछ दे रहे हैं। मोदी ने इंजीनियरिंग कॉलेज कितने बनवा दिए बताओ आप, बस मेट्रो बनवाते जाओ हो गए आदमी। इंजीनियरिंग कॉलेज और पढ़ने के शिक्षा के लिए जरूरी है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अनपढ़ ही रहोगे ये बताओ। आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं,
आप पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहे हो? हाँ जी पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहे हो? हाँ। इंजीनियरिंग कॉलेज वो बना नहीं रहे तो पढ़ाओगे किस में आप? कौन बनाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज? मेट्रो में है। कहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है? कहाँ पे है? कहाँ पे नहीं है? कहाँ पे नहीं है? कितने बना? केजरीवाल ने बनाया है? केजरीवाल ने बनाया है? बिजली बिल फ्री कर दिया तेरा? बिजली बिल केजरीवाल पसंद होंगे फिर आपकी? नहीं ना कोई, वो भी 26 दल में है। 26 दल? इन दल से मैं अलग हूँ। मैं आपको 26 से ही नफरत है? 26 से नफरत है साहब? 26 से नफरत है हमारे को? सिर्फ मोदी है 30 वाले से मोहब्बत? हाँ उससे मोहब्बत है। 26 से नहीं आना चाहिए, 30 आना चाहिए। 30 कौन सा है? NDA। NDA 30 कैसे हो गया? 30 दल है उनके साथ भी, कोई दिक्कत नहीं, उसी के नाते हम उसी के। चलिए जनता है अपनी अपनी पसंद है, तो कुछ कहना चाहेंगे 24 में क्या पसंद होगी आपकी? हर आदमी बदलाव चाहती है तो बस बदलाव और कुछ नहीं। हाँ छक लिए सरकार सब छक गए और कुछ नहीं, बस यही है। गठबंधन पे भरोसा है? किसी भरोसा नहीं है, सरकार से छक गया, सरकार से खत्म है। तो आखिर किसी को तो पसंद, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी को चुनना होता है। राहुल सरकार आई है और किसी सरकार ने राहुल यानी भाई 26 जो है बदलाव चाहता है हर आदमी हर इंडिया हर बदलाव चाहता है। सब सरकार बदलना चाहिए, बदलाव होनी चाहिए। बिल्कुल मोदी कह रहे हैं गरीबों की सरकार है, गरीबों का सरकार है, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बार बदलना जरूरी है। बदलने होंगे तो विकास और बढ़ेंगे। तवा से रोटियां आप लोग बदलने का फार्मूला चलेगा, एक साइड छोड़ेंगे जलने का डर है। बिल्कुल बदलाव करते हैं। बिल्कुल भाई एक बार बदलना चाहिए। बिल्कुल तमाम योजनाओं के बाद भी बदलाव बदलना होना चाहिए, एक बार होना चाहिए, बदलना होना चाहिए।